यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पर क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए। क्वेरी क्या है, इसे किस प्रकार बनाते हैं और ये फिल्टर से किस प्रकार अलग है या भिन्न है। तो ये पेपर में काफी बार आया गया है कि क्वेरी और फिल्टर में अंतर बताओ या क्वेरी फिल्टर से किस प्रकार भिन्न है, मतलब एक ही। तो क्वेरी है क्या, तो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो बताऊंगा कैसे बनाते हैं इसको अपन, और टाइप भी बताऊंगा किस प्रकार की भी होती है। तो क्वेरी एक या एक से अधिक टेबल से डेटा खोजने और संकलित करने का एक तरीका है। कोई एक टेबल है, उस टेबल में से आप जो रिकॉर्ड चाहते हैं तो जो कॉलम चाहते हैं उस कॉलम को निकालेगा अपने आप कंप्यूटर एक्सिस, और निकालने के बाद नई टेबल बना के आपको दिखा देगा। आपने एक टेबल बनाई स्टूडेंट नाम की, उसमें 25 कॉलम बनाए। अब हम चाहते हैं 25 कॉलम काम ही नहीं है, हमारे पास तो केवल 4 कॉलम का काम है, 5 कॉलम का काम है, तो आप क्वेरी के माध्यम से उसी टेबल में से एक नई टेबल बना सकते हो जिसमें आप चाहेंगे उतने कॉलम आ जाएंगे और आप चाहेंगे वो रिकॉर्ड आ जाएगा। मेरे फिल्टर में करते थे, फिल्टर में डीसी में तो डीसी वाले आ गए थे, मरना वाले आ गए थे, जो फिल्टर किया तो ये आ गए थे ना, पर पूरे कॉलम आ रहे थे। तो इसमें आप चाहेंगे वो कॉलम आएंगे और चाहेंगे वो डाटा आएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा बताऊंगा मैं आपको, मैं पहले एक एक्सिस खोल देता हूं। पहले एक क्वेरी चलाना आपके डेटाबेस का डेटाबेस से या डेटाबेस का एक विस्तृत प्रश्न पूछना होता है। क्वेरी माने क्वेश्चन, तो क्वेरी एक प्रकार का क्वेश्चन होता है जो हमारे डेटाबेस से हम पूछते हैं। तो क्वेरी एक प्रकार का क्वेश्चन है जो डेटाबेस से पूछा जाता है। जब आप एक्सेस में कोई क्वेरी बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सटीक डेटा को ढूंढने के लिए कोई क्वेश्चन दे रहे हैं या कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई क्वेरी दे रहे हैं। तो ढूंढने के लिए विशिष्ट खोज परिस्थितियां कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। क्वेरी बनाने का मतलब क्या हुआ, यदि आप क्वेरी बनाते हैं तो मतलब ये हुआ कि आप डाटा को ढूंढने के लिए कोई विशेष कंडीशन या एक कमांड या क्वेरी बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। जो डाटा हम टेबल या डेटाबेस फाइल में से संग्रहित करते हैं उसकी आवश्यकता हमें दूसरे दिन, एक माह बाद या एक वर्ष बाद भी हो सकती है। आपने टेबल बनाई और टेबल में डाटा सेव कर दिया, उस डाटा को देखने की, बाद में उसको प्रिंट करने की, हो सकता है उसको फाइंड करने के लिए कभी कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद या 1 साल बाद आपको काम पड़ सकता है कि डाटा को दोबारा चेक करें, ऐसा पड़ता रहता है। आपने स्टूडेंट सेव कर दिए, 100 स्टूडेंट एंट्री कर दी, तो उन स्टूडेंट का कभी ना कभी काम पड़ सकता है, उन देखने के लिए कभी मोबाइल नंबर देखने, कभी कुछ देखने, है ना। तो उन डाटा को ढूंढने के लिए दूसरे दिन या 1 महीना बाद या फिर 1 वर्ष बाद भी उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। सिर्फ टेबल के प्रयोग से यह कार्य मुश्किल हो जाता है, और हम ये काम सिर्फ टेबल से करेंगे तो ये काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, करें क्वेरी से तो आसान हो जाता है। सिर्फ टेबल के उपयोग से ये काम करेंगे थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इच्छित डाटा प्राप्त करने के लिए क्वेरी बहुत ही अच्छा विकल्प है। यहाँ पर एक से अधिक टेबल का प्रयोग हो रहा है, यहाँ क्वेरी का महत्व इसमें कर सकते हैं अपन, एक से अधिक टेबल भी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टूडेंट और फीस टेबल दोनों से डाटा निकाल के नई टेबल बना दी है कि कौन कौन से स्टूडेंट है और कितनी कितनी फीस जमा है, है ना, दोनों में से। तो जहां पर एक से अधिक टेबल का प्रयोग हो रहा है यहाँ क्वेरी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जिस जगह पे हम एक से अधिक टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं उस जगह पे क्वेरी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्वेरी की सहायता से
यूजर इच्छित डाटा को तेजी से प्राप्त कर सकता है। एक्सेस में क्वेरी से प्राप्त डाटा को फॉरम में और रिपोर्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आपने डाटा सेव किया टेबल के अंदर, तो आप टेबल से फॉर्म बना सकते हैं, टेबल से रिपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन टेबल से बनाएंगे थोड़ा टाइम लगता है, वो थोड़ा सा बनाना मुश्किल है और रिपोर्ट क्लियर नहीं आ पाती है। उसी को डाटा को और अच्छी क्लियर रूप से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बनाएंगे दो टेबल संबंध बनाएंगे दो टेबलों में, और क्वेरी बनाएंगे, क्वेरी से बाद में रिपोर्ट फॉरम भी बना सकते। अन्य शब्दों में क्वेरी डेटा को जानकारी में परिवर्तित कर देती है। क्वेरी सिंपल सी बात क्या है, क्वेरी क्या है, क्वेरी हमारे टेबल की या जानकारी को हम दिखाने का काम करती है। सिंपल सी लैंग्वेज क्वेरी क्या है, क्वेरी भी क्वेरी डाटा को जानकारी में दिखाने का काम करती है, जो अपन चाहेंगे डाटा दिखाने का काम करती है क्वेरी। जो डेफिनेशन होगी छोटी सी इसकी, क्वेरी टाइप कितने हैं, 6 टाइप है क्वेरी के, सिलेक्ट क्वेरी, एक्शन क्वेरी, क्रॉसटेप क्वेरी। इसके टाइप 6 हैं लेकिन कैटेगरी बनाएंगे 3, सिलेक्ट क्वेरी, एक्शन क्वेरी और क्रॉसटेप क्वेरी। तो सिलेक्ट क्वेरी कौन कौन सी होती है, तो सिलेक्ट क्वेरी डाटा स्विच चुनेगी, है ना, सिलेक्ट करेगी तो डाटा हीट के रूप में सबसेट को प्रोड्यूस करती है। यानी कि कुछ टेबल होती है, उस टेबल में से एक नया टेबल बना के आपको दिखा देती है, वो होती है सिलेक्ट क्वेरी। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी क्वेरी का होता है क्योंकि हम बार बार डाटा चुनते हैं, बार बार में इसी का इस्तेमाल होता है। इन्हें सीट में अपडेट हो कर सकते हैं अपन, आप कोई भी अपडेट करेंगे क्वेरी के अंदर वो अपडेट टेबल में ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने डाटा फाइंड किया, आपको दिख गया लगता है नाम गलत है, आपने नाम चेंज सही किया क्वेरी में, तो टेबल में भी नाम चेंज हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो प्रोड्यूस कर करती है ये, और डाटा शीट में अपडेट हो सकता है इसमें या नहीं भी हो सकता है, ये विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है आप कंडीशन क्या लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एक्शन क्वेरी कौन सी होती है जो कोई ना कोई काम करेगी, जैसे रिकॉर्ड जोड़ना हटाना जैसे काम करेगी, तो एक ऑपरेशन होता है ये, उसे बोलते हैं एक्शन क्वेरी, जो रिकॉर्ड को या रिकॉर्ड के सेट को, पूरे एक रिकॉर्ड को भी कर सकती है और पूरे रिकॉर्ड के सेट को भी कर सकती है, रिकॉर्ड को या रिकॉर्ड के सेट को चेंज करती है। एक्शन क्वेरी चार प्रकार की होती है, जैसे कि मेक टेबल, नाम से स्पष्ट टेबल बनाएगी, अपडेट क्वेरी, नाम से स्पष्ट अपडेट करेगी किसी रिकॉर्ड को चेंज करेगी, अपेंड क्वेरी, नाम से स्पष्ट जोड़ेगी, अपेंड में जोड़ना होता है, डिलीट क्वेरी, नाम से स्पष्ट है डिलीट करेगी रिकॉर्ड को। तो मेक टेबल ये एक या एक से अधिक टेबल में से मेक टेबल बना देती है, अपडेट क्वेरी ये अंडरलाइन टेबल में फील्ड डाटा में चेंज कर देती है, जो टेबल में चुनेंगे उसमें से डाटा चेंज करेगी। अपेंड क्वेरी ये एक टेबल में से रिकॉर्ड को दूसरे टेबल में जोड़ देती है, कॉपी कर देती है, की बात है कॉपी करती है जोड़ देती है। डिलीट क्राइटेरिया के आधार पर, जो कंडीशन देंगे उसके आधार पर डाटा को डिलीट कर देती है, ठीक है। तो क्रिएट क्वेरी बनाते कैसे क्वेरी, पहले दिया गया सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना पड़ा, एक्सेस खोलना है, डाटा सारे खोलनी है, उसके बाद आपको क्वेरी टैब में, क्रिएट टैब में जाना पड़ेगा बस। तो कौन सी क्वेरी का प्रयोग करना चाहिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। यदि आप चुनने का काम करना चाहते हैं तो सिलेक्ट क्वेरी चुनेंगे, मिटाने का काम करना चाहते हैं तो डिलीट को चुनेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट क्वेरी स्वयं टेबल डेटा को नहीं बदलती, सिलेक्ट क्वेरी डेटा बदलती नहीं है, सिर्फ चुन के दिखाती है बस, यह केवल सबसेट डेटा को देखने का काम करती है तथा एडिट करने के लिए अलाउ करती है। आप इसमें ऐड कर सकते हैं बाद में, खुद एडिट नहीं करेगी, तो ऐड करने के लिए अलाउ करती है। यह सबसे ज्यादा कॉमन टाइप की क्वेरी है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है, और अपन भी जब काम कर रहे हैं उस फाइल के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का करेंगे सिलेक्ट क्वेरी का। सबसे ज्यादा एसक्यूएल में सिलेक्ट क्वेरी एक सिलेक्ट स्टेटमेंट के रूप में होती है, जो एसक्यूएल लैंग्वेज होती है जिसमें अपन डाटा बनाते हैं, तो एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर भी जो एक क्वेरी होती है इसका नाम होता है सिलेक्ट क्वेरी। तो सिलेक्ट नाम से होती है वो, सिलेक्ट क्वेरी एक सिलेक्ट स्टेटमेंट के नाम से होती है
इसका इस्तेमाल अपन कोई भी कमेंट लिखने के लिए, कमांड लिखने के लिए करते हैं। सेलेक्ट क्वेरी को रन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप है। नंबर एक, डाटाबेस को ओपन करेंगे, डाटाबेस विंडो ओपन करेंगे, इसके बाद क्रिएट टैब पे जाएंगे और फिर डिजाइन टैब पे जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और फिर डिजाइन पे जाएंगे, ठीक है। फिर शो टेबल नाम बॉक्स बॉक्स ओपन बॉक्स होता है, शो टेबल नाम से बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर टेबल चुनेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे, उसमें क्या था सबने किया डेसिशन, और फिर टेबल से उस फील्ड को ड्रैग करेंगे जो या डबल क्लिक करके नीचे वाली विंडो में लेके आते हैं, इस विंडो में लेके आते हैं, विंडो में जो टेबल आपको दिखानी है, जो कॉलम दिखाना है उस कॉलम में आप लेके आएंगे डबल क्लिक करके या ड्रैग करके लेके आते हैं। नंबर तीन, क्राइटेरिया में कंडीशन लिख देते हैं, फिर इसे रन कर देते हैं तो चल जाती है। चलाते कैसे हैं दिखाता हूँ। इसमें मैंने अपनी फाइल ओपन की, डाटाबेस फाइल ओपन कर ली है। नंबर दो तरीका, दो स्टेप हो गया। नंबर तीन, आप क्रिएट टैब पे जाएंगे, हमने पहले टेबल बनाई थी, टेबल अब पे जाएंगे अपन क्वेरी पे जाएंगे। तो क्वेरी बनाने के तरीके दो हैं, क्वेरी विजार्ड से बनाते हैं और डिजाइन से बनाते हैं। विजार्ड से बनाना है क्वेरी बड़ी आसान है, बन जाएगी। मैंने बताया इसमें तरीका डिजाइन करने का, कुछ भी लिखना है पेपर में आपको, बैड लिखना नहीं है, और बैड लिखना भी है तो कहे लिखेंगे। देखो क्वेरी बनाने के दो तरीके हैं, क्वेरी विजार्ड, क्वेरी डिजाइन। क्वेरी विजार्ड पे क्लिक किया तो इस बनाने के लिए आपके सामने एक विजार्ड आता है जिसे आपको बनाना है सिंपल क्वेरी। सिंपल क्वेरी को स्लट क्वेरी बोलते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, सामने एक विजार्ड आ जाएगा, ये पूछेगा कि किसमें से आपको पूछा, ये यहाँ बोलता है यू कैन चूज फ्रॉम मोर वन टेबल और क्वेरी। वो बोलता है कि आप किस टेबल में से क्वेरी बनाएंगे, तो आप उस टेबल को सिलेक्ट कर लें। यहाँ मैं बनाऊंगा स्टूडेंट में से, स्टूडेंट पे क्लिक कर दिया तो स्टूडेंट के फील्ड यहाँ पे आ जाती है, अवेलेबल फील्ड यहाँ पे आती है। अब कौन कौन सी फील्ड आपको दिखानी है क्वेरी में, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। मैं दिखाना है स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम, स्टूडेंट का पापा का नाम और उसका मोबाइल नंबर, और कौन सा कोर्स कर रहा है ये मुझे दिखाना है इसके लिए, तो कोर्स का नाम दिखाना, ठीक है, इतना दिखाना मुझे बस। मैं नेक्स्ट करूंगा और नेक्स्ट करके लिखा हुआ है डू यू लाइक ए डिटेल समरी। आपको देखना है, शो करना है फील्ड को या समरी देखनी है, तो मैं डिटेल पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ पे उसको मैं फिनिश करूंगा। जैसे फिनिश करूंगा तो देखिए आपके सामने टेबल खोल के अपने आप आ गई, आगे नहीं टेबल बन के अपने आप, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम अपने आप आ गए, तो सेलेक्ट क्वेरी अपने आप समझे बता देती है। तो विराट से बनाना बहुत आसान है, बस क्लिक किया नेक्स्ट करके बन जाती है। ध्यान से कैसे बनाएंगे थोड़ा सा कठिन है, यहाँ पर देखिए सेव हो जाता है ये, फिर मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, क्वेरी सेव हो जाती है, फिल्टर सेव नहीं होता। क्रिएट पे गया, आप ये लिया यहाँ पे डिजाइन पे, इस पे क्लिक करेंगे। नंबर दो तरीका, नंबर दो क्वेरी डिजाइन से बना सकते हैं अपन, तो डिजाइन में अपन क्वेरी खुद बना सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो इसमें खुद का कॉलम बना सकते हैं। विजार्ड वाले में अपना कॉलम नहीं बना पाएंगे अलग से, इसमें आप अलग से कॉलम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बताता हूँ, क्लिक किया ये आगे टेबल, इस टेबल में से आपको कौन सी टेबल चुननी है, आपको स्टूडेंट टेबल, एड पे क्लिक किया जा चुकी है। यहाँ से अगर आपको सारे कॉलम चुनने हैं, दिखाने सारे कॉलम दिखाने हैं, तो आप ये दिया स्टार, इस पर करा डबल क्लिक, सारे कॉलम आ जाएंगे और सब नहीं दिखाने हैं आपको, मुझे दिखाना है केवल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, डबल क्लिक करते जाओ, है ना, जेंडर, और जेंडर के बाद कोर्स ले लो, फीस ले लो, मोबाइल नंबर ले लो, इतना दिखाना मेरे बस, ठीक है। कॉलम ले लेते हैं अपन, चार ड्रैग कर लो, पकड़ा ड्रैग कर लो, कैसे भी कर सकते हैं ड्रैग करके। ये लाने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस आपको दिया रन क्वेरी, रन दिखाओ पर, इसको रन कर देते हैं। जैसे रन किया तो उसी के डाटा दिखाई देने में लग जाएगी ऑटोमेटिकली, क्लियर है। कैसे अपन
कॉलम क्वेरी बना सकते हैं, बाद में इस क्वेरी को सेव कर सकते हैं। सेव कैसे करेंगे, डिजाइन में गई जो डिजाइन द्वारा द्वारा को चेंज करना है, डिजाइन कर लो। सेव कैसे करेंगे, टू कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे या ये सेव नाम के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्वेरी का नाम डाल देंगे कि कौन सी क्वेरी है, स्टूडेंट क्वेरी है। ठीक है, इस क्वेरी बना दी मैंने। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं क्वेरी में हम चाहते हैं कि नहीं सब नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेल मेल आए फीमेल नहीं आना चाहिए, तो डिजाइन पर जाओ, क्वेरी पे डिजाइन पर जाओ और जेंडर वाले एरिया में जाके आप फिर लिखा क्रिएटेरिया, लिखा क्रिएटेरिया ये, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मेल, बस केवल मेल आना चाहिए। अब देखो केवल मेल में आएंगे, फीमेल नहीं आएगी, तो हम क्वेरी में फिल्टर भी लगा सकते हैं एक प्रकार से, और उसको हम जो चाहे कॉलम भी देख सकते हैं। तो पेपर में अगर आता है फिर क्वेरी फिल्टर में क्या अंतर है, तो बताएंगे भाई फिल्टर को सेव नहीं कर पाते, क्वेरी को सेव कर सकते हैं। दूसरी बात, फिल्टर में सारे कॉलम आते हैं, क्वेरी में आप जो कॉलम चाहे वो कॉलम मंगा सकते हैं। और फिल्टर के टाइप, सेलेक्ट फिल्टर, सिंपल फिल्टर, सर्चिंग फिल्टर था, इसके टाइप अपेंड क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी है, तो थोड़ा डिफरेंस भी होते हैं दोनों में। तो ये तो हो गया आपका फिल्टर के बारे में, क्वेरी के बारे में, लेकिन मैं क्वेरी बना रहा हूँ अपने मन से, तो मैं इसे करता हूँ डिलीट, सारे कॉलम को डिलीट करता हूँ यहाँ से, डिलीट 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 डिलीट, मुझे सारे कॉलम मंगाने हैं, तो डबल क्लिक के स्टार पे सारे कॉलम आ जाएंगे। सारे कॉलम आ गए, तो सारे कॉलम फिर मंगा रहे क्यों, मंगाई कर रहे हैं अपन फालतू में, टेबल ही कर लो डायरेक्ट, डायरेक्ट इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, टेबल क्वेरी बना रहे हैं, मतलब कि क्योंकि हम क्वेरी से जो चाहे कॉलम बना जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने टेबल बनाई है, टेबल में फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया है, फुल नेम नहीं दिया स्टूडेंट का, लेकिन जब लड़के का नाम प्रिंट होगा फॉरम के ऊपर, पूरा नाम प्रिंट होगा फॉरम पे, की रसीद पे पूरा नाम प्रिंट होगा ना, तो पूरा नाम प्रिंट कैसे होगा। तो हम चाहे तो क्वेरी के अंदर ही एक कॉलम बना सकते हैं अलग से, वैसे नहीं बना पाएंगे, क्वेरी बना सकते हैं, तो इसलिए मैं क्वेरी में अलग से बना रहा हूँ। इस क्वेरी के अंदर मैं यहाँ बना रहा हूँ फुल नेम या स्टूडेंट नेम बना रहा हूँ, ठीक है, और दुगनी लगाएंगे। दुगनी लगाने मतलब ये हो गया कि आपने कॉलम बनाया है, जब आप दुगनी लगा देंगे कॉलम लगा देंगे कॉलम, तो मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे एक कॉलम बनाया है जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप कॉलम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये बनाएंगे स्टूडेंट नेम और दो बिंदी लिख देंगे, यानी कॉलम लगा देंगे, तो वहां पे एक कॉलम बन जाएगा स्टूडेंट नेम के नाम से, लेकिन स्टूडेंट नेम हमें डालना नहीं पड़े, अपने आप आ जाए। फर्स्ट नेम तो अपन डाल ही रहे हैं, सेकंड नेम अपन डाल ही रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया अपन ने, तो फुल नेम भी अपने आप आना चाहिए। फुल नेम आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करना पड़ेगा। तो जो अपने कॉलम होते हैं, ये नाम बने हैं, फर्स्ट नेम कॉलम बने हैं, इनको अपन ध्यान रखते हैं बड़े बड़े कोष्ठक में, बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे और लिखेंगे फर्स्ट एफ आई आर एस टी, जो स्पेलिंग यहाँ पर है वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और नाम जोड़ने की लगाते हैं अपन एंड, क्या लगाते हैं, प्लस ही लगाते हैं, एंड लगाते हैं, एक्सेल में भी था ये, मैं सिखाया था एक्सेल में। और आपने मान लो गलत लिख दिया आपने, ये गलत लिख दिया आपने इस तरीके से, तो क्या हुआ देखिए, जैसे शो करेंगे इसको तो पूछेगा लास्ट नेम, कैसे पूछेगा, समझ जाना है ना, जो आपने नाम गलत डाल दिया है, तो कैंसिल करेंगे, देखिए क्या लिखा है एल एस टी टेबल, तो इसे क्या करेंगे, डाल देंगे
क्लियर है। अब देखो व्यूअर के देखो, कोई एरर नहीं आई, लेकिन लास्ट नेम देखना फुल नेम देखना, लास्ट में लास्ट अपने कॉलम आ गया होगा, देखो लास्ट आ गया कॉलम अपने यहाँ पर, ये फुल नेम देखिए हरेंद्र सिंह चिपका हुआ आ रहा है, रौनक खान चिपका हुआ आ रहा है, अलग आने चाहिए ना अलग अलग, तो गड़बड़ गड़बड़ हो गई, तो इस पे जाना चाहिए, दोबारा डिजाइन में जाएंगे, इसमें अपन एक स्पेस पे एडो कर देंगे, अपन स्पेस दिया ऐसा करके बीच में और एंड का साइन, तो ये फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम, कैसे आपने बनाया फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, तो तीनों ऐड कर देंगे, सेव करेंगे इसको अपन, सेव करने के बाद आप देखेंगे आया स्पेस, ठीक है। तो ये अपने एक कॉलम जोड़ लिया, तो ये मैंने एक क्वेरी बना दी, इस क्वेरी में क्या करेंगे अपन, इसको अपन जोड़ सकते हैं, ऐसे बनाएंगे अपन क्वेरी फीस के लिए, जो मैंने बनाई थी फीस, इस फीस में मैंने सारी फीस दे दी थी और कितना पेड किया बता दिया था, लेकिन टोटल फीस क्या है ये नहीं बता पाया मैंने, और कितनी फीस बची है वो नहीं बता पाया, तो अपन चाहते हैं इसमें टोटल फीस अपने आप आ जाए करें, टोटल फीस अपने आप आ जाए करें, तो इसकी भी क्वेरी बनाएंगे अपन, कैसे बनाएंगे, क्रिएट पर गए, डिजाइन पे गए, और यहां से फीस टेबल को सिलेक्ट किया, ऐड किया, और यहां से सारे कॉलम ले लिए, डबल क्लिक करके स्टार पे डबल क्लिक किया, सारे कॉलम आ गए, ठीक है। और इस जगह पे जो जो करना है आपको, फिर निकालना है टोटल, निकालना है टोटल, तो टोटल निकालने के लिए एक कॉलम बनाएंगे अपन, तो टोटल कॉलम लिखेंगे यहाँ पे टी ओ टी ए एल दो बिंदी कॉलम, अब जो जो जोड़ना है आपको, जोड़ना क्या क्या उसका टोटल लगा देंगे, जोड़ना क्या क्या भाई, हमको हमें जोड़ना है एडमिशन फीस, एग्जाम फीस, ट्यूशन फीस, फाइन, एटिकिटी और अदर, इसको एड करना है, इसलिए डबल कोटेशन में वो बड़े कोष्टक के अंदर एड यहाँ लगाएंगे प्लस, क्योंकि करेक्टर नहीं है नंबर है, एड प्लस एग्जाम प्लस, बोल टेस्ट में आएगा स्पेस वाला, तो टेस्ट नाम जोड़ेंगे तब एड एग्जाम प्लस ट्यूशन प्लस फाइन प्लस एटीकेटी प्लस अदर, हाँ यहाँ पे एरर आ जाएगी फिर, है ना, सही कर दो उसको, अब उसको अपन क्या करेंगे, सेव करेंगे और डाल देंगे फीस क्वेरी क्यू आर वाई, अब आप चेक करेंगे इसको व्यू पे क्लिक करके देखिए, टोटल इसमें अपने आप आ गया होगा, लास्ट में टोटल अपने यहाँ आ रहा है, आ रहा है टोटल, तो टोटल को मैं क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करके आगे ले लेता हूँ, आ गया आ गया, यहाँ पे कितना आपने पेड कर दिया, कितना बचा रिमेनिंग आना चाहिए, है ना, तो रिमेनिंग कैसे आएगा, एक कॉलम और बनाएंगे, एक कॉलम और बनाते हैं, रिमेनिंग दो बिंदी क्या होगा रिमेनिंग में, टोटल माइनस पेड, है ना, तो टोटल तो फीस आपकी जो हो गई और माइनस हो जाएगा आपने पेड किया है, वो जो कॉलम बनाया पेड नाम का कॉलम बचेगा रिमेनिंग में आ जाएगा, करके देखिए टोटल 13,500 रुपये, कितने बचे अपने आप आगे रिमेनिंग,
हम ऐसे कॉलम जोड़ सकते हैं क्वेरी के अंदर। तो ये तो हो गया सिलेक्ट क्वेरी के बारे में। सिलेक्ट क्वेरी क्या है, क्वेरी में कैसे अपन कॉलम जोड़ते हैं। आगे दिया गया है इसके आगे नेक टेबल क्वेरी। तो ये टेबल बनाती है, ये टेबल किसी भी, ये क्वेरी किसी भी टेबल में से एक टेबल को बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आप क्रिएट पे क्लिक करो, क्रिएट पर तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया डिजाइन क्वेरी पे, डिजाइन क्वेरी आपने ऐसे क्वेरी ऐड कर ली, स्टूडेंट क्वेरी ऐड कर ली, तो ऊपर आप देखेंगे कौन सी क्वेरी है, ये सेलेक्ट क्वेरी बन रही है। यहाँ पर आपने क्लिक किया नेक्स्ट टेबल पे तो टेबल बना देगा, इस पे क्लिक करो ये क्वेरी बन जाएगी। तो इसमें मेक न्यू टेबल, यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल का नाम आपको टेबल किस नाम से बनानी है उसका नाम डालेंगे। मैं मुझे बनानी है स्टूडेंट टू, ठीक है। तो करंट डाटा किस से बनाना है कि किसी और से बनाना है, तो मैंने चुनिए किसी से बनाना है मुझे, तो मैं करंट को क्लिक कर दिया, ओके कर देंगे। अब कौन कौन से कॉलम बनानी है टेबल के अंदर, मुझे लेना है इसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, फीस, सेशन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेड नंबर, इतने कॉलम ले लिए, ठीक है। जैसे ही रन करूंगा मैं इसको तो अपने आप एक टेबल बन जाएगी, और जितने रिकॉर्ड उसमें होंगे, चार रिकॉर्ड होंगे तो चार रिकॉर्ड यस करूं, देखिए आगे स्टूडेंट टू आगे कॉलम अपने आप। तो ये चुन नहीं रही है, अलग से टेबल बना रही है, चुनेगी तो सिलेक्ट है और टेबल बनाएगी तो कौन सी है, क्रिएट टेबल हो गई। क्लियर है यहां तक? मैं ऐसे करता हूँ डिलीट, तो फालतू क्या करें, मेमोरी जरूरी। आगे इसमें दिया है डिजाइन पे जाओ, ऊपर अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी से एक टेबल के अंदर नए रिकॉर्ड जुड़ जाते हैं, तो अपेंड पे क्लिक करता हूं, किस में जोड़ना है उस टेबल का नाम, किस टेबल में जोड़ना है उस टेबल का नाम। तो मैंने टेबल हटा दी मैंने वो, वरना स्टूडेंट में जोड़ देता मैं जोड़ता हूँ एम्प्लॉय के अंदर। चलो एम्प्लॉय बनी हुई है, EMPLOY, ठीक है, बना टेबल यहाँ एम्प्लॉय इसमें जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो करंट टेबल से जोड़ना है करंट डेटाबेस, ओके। क्या जोड़ना है वो कॉलम ले लो, यहाँ पे हर कॉलम सेलेक्ट करो, यहाँ पे ले आओ कौन कौन जुड़ने हैं आपको। जैसे करूंगा मैं रन, चार रिकॉर्ड जुड़ गए, किसमें जुड़ गए, एम्प्लॉय के अंदर। और खाली क्यों आ रहे हैं, जो डाटा पहले इस टेबल में, जैसे आपने टेबल बना बंद कर सकते हो उसको, में ये आपका टेबल है स्टूडेंट टेबल, एक एम्प्लॉय टेबल। स्टूडेंट टेबल में क्या है, नेम है, कोर्स है, फीस है, इसमें नेम है, पोस्ट है, सैलरी है, कोर्स फीस नहीं है। तो आपने कोर्स फीस यहां ले लिया, तो कोर्स फीस इस कॉलम में ही नहीं है तो वो लेगा नहीं। जो जो डाटा ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसमें है तो आ जाएंगे, फादर्स नेम उसमें नहीं है तो नहीं आएगा, मदर नेम में तो नहीं आएगा, है ना। तो जो कॉलम इस टेबल में है और इसमें नहीं होंगे, डाटा इसमें नहीं पहुंचेगा। जो कॉलम इसमें भी है और इसमें भी है, वो डाटा पहुंचेगा उसके अंदर, दूसरा नहीं पहुंचेगा। तो अपेंड समझ में आ गया, अपेंड से क्या हो रहा है, एक टेबल का डाटा दूसरे टेबल में ऐड हो रहा है या कॉपी हो रहा है, ठीक है। दोबारा करूंगा इसको, मैं रन करूंगा दोबारा से, फिर से ले जाए चार रिकॉर्ड लो, फिर जुड़ गए, ओके देखो आठ हो गए होंगे। अब फिर करूंगा फिर जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको। मैंने यहाँ पर देखो जो है ना, फर्स्ट नेम लिया है, आईडी नंबर नहीं लिया। अगर आप ले लेंगे आईडी नंबर तो 1 2 3 4 5 जुड़ जाएंगे, दोबारा क्लिक करेंगे 1 2 3 4 5 दोबारा फिर से आ जाएंगे। जबकि वो क्या दिया अपन ने, ऑर्डर नंबर रिपीट होगा, बुला बुला रहा था देखिए, रिपीट होगा नहीं, जुड़ेंगे नहीं, फिर दोबारा आ जाएंगे। अलग अलग नंबर तो जुड़ जाएंगे, अलग अलग नंबर होंगे, सेम नंबर नहीं जुड़ेंगे। अब फर्स्ट नेम तो सेम हो सकते हैं,
की लगी नहीं इसको, काम नहीं की तो अपने आप बारह जोड़ रहे हैं, 12 क्लिक करूंगा फिर जुड़ जाएंगे, 8 हो जाए, 16 हो जाएंगे, वो 12 हो जाएंगे, फिर करूंगा 16 हो जाएंगे, है ना। तो अपेंड क्वेरी से नए रिकॉर्ड को एक टेबल रिकॉर्ड को दूसरे टेबल में जोड़ सकते हैं, अपडेट क्वेरी। इससे क्या होता है, अपडेट क्वेरी से हम एक टेबल के रिकॉर्ड को किसी टेबल के अंदर डाटा को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोबारा बना के दिखाता हूं मैं, क्रिएट पर गया, डिजाइन पर गया, टेबल को ऐड किया, ठीक है। अब हम चाहते हैं जितने भी फीमेल है वो सब मेल बन जाए, मैं जनरल ले लेता हूं, मैं जेंडर ले लिया, और जेंडर लेने के बाद क्रिटेरिया में मुझे क्या करना है, फीमेल को मेल करना है, ठीक है, और रन कर दिया, दो रिकॉर्ड यस कर देता हूं। आप चेक करिए जो फीमेल है वो मेल बन चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन उसमें इसलिए उभारा हुआ कोर्स के अंदर उसमें गलती करी है, कोर्स वाले फील्ड में कोई डाटा अपने ऐड दे दिया होगा, कहना कि स्पेस होगा, ऐसा कुछ कर दिया होगा, कट कर दिया होगा, ठीक है। तो ये कौन सी क्वेरी उपयोगी हो गया, अपडेट क्वेरी हो गई। तो ये क्वेरी आगे पूरी खत्म हो गई आज। तो क्वेरी में आपको एक क्वेरी बची है क्रॉस टैब क्वेरी, आखिरी बची है क्रॉस टैब क्वेरी। वो मैं क्रैश टैब क्वेरी का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा होता है और उस डाटा को हम बाद में ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं चाहता हूँ मेरे जो स्टूडेंट हैं वो कोर्स वाइज आ जाए, डीसी अलग हो जाए, पीडी से अलग हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे और ये क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करेंगे। आपको डिजाइन से नहीं करना है, तो डिजाइन से यहाँ पे क्रैश टैब इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ब्याज से करेंगे, सुरक्षित विजार्ड से करेंगे। ब्याज कैसे करेंगे, यहाँ गए, ये दिया विजार्ड, कुछ दिया क्रॉस टैप क्वेरी, हाँ क्रॉस टैप, ओके करेंगे, बॉक्स सामने आएगा किस टेबल पर बनाना। अब देखो क्वेरी के बारे में भी क्वेरी बना सकते हैं अपन, अपन चाहे तो क्वेरी से भी क्वेरी बना सकते हैं। टेबल पे क्लिक किया, मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट में से, क्लिक किया, एड किया। अब ये पूछेगा यहाँ पे This table value do you want to row heading? आपको row heading कौन सी बनानी है, ID बनानी है, कौन सी बनानी है। तो यहाँ पे अगर अपन row heading बना देंगे तो नीचे यहाँ पे इस तरह नाम आ जाएंगे इस जगह पे। तो मैं ले लेता हूँ कोर्स का नाम, ले लेता हूँ, हमारे कोर्स काफी कम होंगे तो मैं कोर्स कहाँ है, क्लास होगा कोर्स है, ठीक है, कोर्स पे क्लिक किया एड, हमारे कोर्स के नाम यहाँ पे आ जाएंगे इस जगह पे, कोर्स के नाम यहाँ आ जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट करूंगा, फिर पूछेगा विच फील्ड वैल्यू डू यू वांट टू कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग कैसे बनानी है, तो ऊपर क्या लिख के आएगा। ये काम करते हैं अपन नेम में इधर ले लेते हैं, इसे उठा देता हूँ, भाई नाम ज्यादा होंगे ना, बस नेम यहाँ ले लेते हैं, नेम यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट कोर्स यहाँ ले लेते हैं, तो कोर्स कम है अपने, कॉलम कम बनेंगे, यहाँ कोर्स आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ लोगों के नाम आ जाएंगे, यहाँ पे कोर्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब व्हाट नंबर डू यू वांट टू कैलकुलेट, आपको कौन सा नंबर कैलकुलेट करना है। तो मैंने फीस दी हुई है, फीस मैं फीस को क्या करता हूँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, फीस पे क्लिक किया। नेक्स्ट अब क्या करना है, फीस का काउंट करना है, सम करना है, जो करना चाहते हैं। नेक्स्ट कोई नाम दे देंगे यहाँ पे और फिनिश। तो आप देखिए लड़कों के नाम आ चुके हैं, फर्स्ट नेम आ गए लड़कों के, ना चारों लड़कों के नाम, जो कोर्स फीस देखिए 1, 2 और 7, ये अच्छा जिन नंबर के लिख के आ रहे हैं, 1 और 7 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कोर्स को लुकअप बनाया था, लुकअप, तो लुकअप में मैंने जब जोड़ा था उनको मैंने, तो वहां पर नंबर ले लिया था, नंबर 1, 2, 3 आ गया है यहाँ से। तो कोर्स 1 पे जो होंगे वो ये है,
कोरस टू के बंदे दो हैं और कोरस आधे का बंदा एक है ना। और एक पे कौन है, एक पे तो देखना पड़ेगा कोरस के अंदर, एक पे कौन है, एक पे डी सी है ठीक है, और सात पे टैली है और दो पे पीडी सी है ना। वही तो है, एक दो और सात, तो कोर्स एक वाले यानी डीसी वाले बंदा कौन सा, हरेंद्र है। पीडीसी के बंदे कितने हैं, दो, और अमित का मतलब टेली का बंदा कौन है, अमित है। तो बंदे अपने आप बंदे दो बंदे तीन लाइन से अपने आप आ जाएंगे, चार ही बंदे कम आ रहे, ज्यादा बंदे होते तो संग में आता और लंबी लिस्ट बन के आ जाती, तो अपने आप ग्रुप बन के अपने आप आ जाता है इसके अंदर, जो होता है क्रॉस टैप के द्वारा ठीक है। तो इसको आप जरा प्रैक्टिस करके देखना कल, क्लस्टर क्वेरी कैसे बनाते हैं, बाकी क्वेरी मैन आपको सेलेक्ट क्वेरी देखना है, इसमें कॉलम कैसे जोड़ते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो ये क्वेरी आपको पूरा खत्म हो जाएगा ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेरी, और इसके जो अंतर दिए लास्ट में, ये अंतर ये भी अंतर आप पढ़ लेना, क्योंकि हाँ क्वेरी फिल्टर अंतर दिए पढ़ लेना, बहुत जरूरी पेपर में काफी आते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट है। देखो फिल्टर को सेव नहीं कर सकते, नंबर आया वही है ठीक है, फिल्टर का प्रयोग अस्थिर रूप से होता है, ये भी बड़ी बात है। फॉर्म रिपोर्ट में फिल्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फॉर्म रिपोर्ट में क्वेरी कर सकते हैं ठीक है। फिल्टर में एक ही टेबल को डाटा प्राप्त कर सकते हैं, इसमें से बहुत सी टेबल डाटा प्राप्त कर सकते हैं। जटिल प्रकार के बड़े डाटाबेस के लिए फिल्टर का उपयोग कम होता है और क्वेरी का उपयोग ज्यादा होता है ठीक है। ये कुछ अंतर हो गए, इसको आप पढ़ लेना, पढ़ के आना, कल प्रैक्टिस करना है इसकी ओके। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय, जय हिंद।